अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है और आप देख रहे हैं टेक ट्रेडर्स का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के बारे में बात कर लीजिए तो टेक ट्रेडर्स लाया आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू, जिस प्रोडक्ट का नाम है LT5 स्मार्ट वॉच। तो बात कर लीजिए इस स्मार्ट वॉच के बारे में, तो ये स्मार्ट वॉच बहुत ही कम प्राइस टैग में बहुत ही अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड करती है। फर्दर इस वॉच के बारे में बात कर लीजिए तो एप्पल की सीरीज 5 और सीरीज 6 जो है उसको मिमिक किया गया है, और मार्केट में और भी बहुत सारे रेप्लिकास अवेलेबल हैं, जैसे कि T500, T5, T5 Pro, इसी तरह और भी काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेस हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि सीरीज 5 और सीरीज 6 जो एप्पल की हैं उनको मिमिक करती हैं। देखा जाए तो LT5 स्मार्ट वॉच जो है इसने अपनी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अपने प्राइस टैग के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त रखी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना रिव्यू शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके बॉक्स की, तो ये बॉक्स बहुत ही एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है बॉक्स की वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और फर्दर हम इस बॉक्स को खोल के देखते हैं कि हमें अंदर देखने को क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें अपनी वॉच देखने को मिल जाती है, उसके बाद हमें फर्दर स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर देखा जाए तो इस प्राइस टैग में ये जो स्ट्रैप्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा इसका जो चार्जर है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो अब हम आते हैं अपनी वॉच की तरफ। वॉच को हम करते हैं जी ऑन। यह हमारी स्मार्ट वॉच जो है वो ऑन हो चुकी है, और ये है जी हमारी LT5 स्मार्ट वॉच। सबसे पहले हम इसके जो वॉच फेसेस हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें हमें 11 to 12 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं जी इसका डिस्प्ले और इसकी क्वालिटी, बिल्ड इन क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग बिल्ड इन क्वालिटी है इस वॉच की। उसके अलावा इस वॉच की जो क्वालिटी है उसके बारे में बात कर लीजिए तो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। इस प्राइस टैग में जो हमें क्वालिटी देखने को मिल रही है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो इसके जो मटेरियल है उसके बारे में बात कर ली जाए तो इसका मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिल जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेटल बेस्ड है। और इसका जो फ्रंट है उसके बारे में बात कर लीजिए तो 2.5D ग्लास इंस्टॉल्ड है इसमें। और उसके बाद इसका जो क्राउन है वो हम क्लिक करते हैं तो वर्क करता है, घुमाने पे वर्क नहीं करता। लेकिन इसका जो एडवांटेज हमें देखने को मिलता है जो कि बाकी वॉचेस जो रेप्लिकास हमें देखने को मिलते हैं फर्दर, उनमें हमें ये बटन देखने को नहीं मिलता, तो इस वॉच में हमें ये बटन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही इसकी जो इंटेंसिटी है उसके बारे में बात कर लीजिए तो वो बहुत ही ब्राइट हमें देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ही ब्राइट है। और इसके वॉच फेसेस के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, और उसके बाद हम देखते हैं जी इसका जो वेट है वो बहुत ही हैवी वेट वॉच है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये वॉच बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ बनाई गई है। इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लीजिए तो हमें 1.54 इंच IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और उसके बाद इसके फर्दर फीचर्स के बारे में बात कर लीजिए तो हमें सबसे पहले कैलकुलेटर मिल जाता है जिसमें आप अपनी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद हमें हार्ट बीट चेक करने के लिए इसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके पीछे जो सेंसर्स लगे हैं उनकी मदद से आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है, जो आप रनिंग करते हैं उसको भी ये मेजर करती है। इसमें हमें कैलेंडर देखने को मिल जाता है, उसके बाद आप इसमें अलार्म लगा सकते हैं। फर्दर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, और इसके बाद हमें इसकी कुछ ब्लूटूथ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जो ब्लूटूथ विजिबिलिटी जिसे कहा जाता है। उसके बाद हमें बहुत ही अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट, आप इसको कह सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप उसमें गूगल असिस्टेंट के साथ अटैच हो सकते हैं, मतलब इस वॉच में आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका जो मोबाइल का गूगल असिस्टेंट है या फिर सीरी है, अगर एंड्रॉयड है तो उसमें गूगल असिस्टेंट होता है, और अगर आईफोन हो तो उसमें सीरी होता है। तो आप
अपने फ़ोन का जो गूगल असिस्टेंट या सीरी है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस वॉच के ज़रिए। उसके बाद हमें कॉल लॉग्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें आप कनेक्ट करेंगे तो कॉल लॉग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैसेजिंग, जिसमें आपके फ़ोन पे जो भी मैसेज आता है वो यहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन हमें दिखाती है ये वॉच। उसके बाद आपके जो म्यूजिक्स हैं वो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जो भी आपकी प्लेलिस्ट है वो आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वॉच की वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके अलावा हमें अलर्ट टाइप्स भी देखने को मिल जाती हैं, जिसमें रिंग ओनली, वाइब्रेट ओनली, अगर आप वाइब्रेशन और रिंग दोनों एक साथ रखना चाहते हैं वो भी हमें इसमें सेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप म्यूट पर रखना चाहते हैं तो म्यूट भी हो सकती है। और फर्दर हम सेटिंग्स में से निकलते हैं तो हमें वॉल्यूम की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले में आते हैं तो हमें डिस्प्ले की सेटिंग में ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, इसकी ब्राइटनेस हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो स्क्रीन टाइम आउट है वो भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो इंटरनेशनल टाइम है उसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रीसेट का ऑप्शन है, अगर आप अपनी वॉच को रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें सेटिंग्स में अबाउट देखने को मिल जाता है, जिसमें इस वॉच की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। उसके अलावा हमारे पास इस वॉच का QR कोड हमें देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्मार्ट वॉच की ऐप है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये QR कोड होता है। और इसकी जो ऐप है वो हमें प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाती है। उसके अलावा हमें डायलर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप डायल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स को। और उसके बाद फर्दर हम देखते हैं तो हमारी फ़ोन बुक देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें शो कर देते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सिंक जो हमें सेटिंग में ऑटो सिंक जो होता है टाइम का, वो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो भी टाइम चल रहा हो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ सेट हो जाता है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये साउंड की सेपरेट सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। और फर्दर इसी तरह फीचर्स, ब्राइटनेस के कुछ फीचर्स इस तरह हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम करते हैं इस वॉच की टेस्टिंग, तो चलिए इस वॉच की टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस वॉच की ऐप हमें देखने को मिल जाती है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इस वॉच की जो ऐप है उसका नाम है जी M2 Wear, जो हमें प्ले स्टोर से बहुत ईजीली देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इस वॉच की जो ऐप है उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। जैसे ही आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है तो जो भी परमिशन ये मांगता है आपने उसको अलाउ कर देना है। तो सबसे पहले हम इस वॉच को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LD5 जो डिवाइस है वो आ चुकी है। तो हमारी वॉच जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो फर्दर हम इसके जो फीचर्स हैं इस ऐप के अंदर हमें जो देखने को मिल जाते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। जहाँ से हम इसके जो नोटिफिकेशंस हैं उनको सेट कर सकते हैं कि आप किस किस ऐप की नोटिफिकेशंस ऑन करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो आप सेट कर सकते हैं। फर्दर इसकी ब्लूटूथ सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा इसमें हमें एक फीचर देखने को मिल जाता है फाइंड डिवाइस, जिसकी मदद से हम अपनी वॉच को आसानी से ढूंढ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह फर्दर इसके जो वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग वगैरह ये सारे इस ऐप में हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और फर्दर हमें इसकी जो डिस्टेंस मेजर है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये इसकी स्लीप, हार्ट रेट और सब कुछ हमें इस ऐप में देखने को मिल जाता है। अब हम इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो स्ट्रैप्स हैं वो लग चुके हैं। तो स्ट्रैप्स लगा के जो हमारी वॉच है वो कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो बहुत ही एक अमेजिंग वॉच इस प्राइस टैग में हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर देखा जाए तो इस स्ट्रैप्स के साथ इस वॉच की जो लुक है वो बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाती है हमें। और इस ये जो स्ट्रैप्स हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अमेजिंग है। और फर्दर इसका जो चार्जर है उसे हम चेक कर लेते हैं। और आपको हम इसकी चार्जिंग जो है उसको इनेबल करके दिखाते हैं। उसके बाद इसके चार्जर की बात कर ली जाए तो हमें
दो स्ट्रिप्स दी गई हैं जो इस वॉच की बैक पे दो सेंसर्स के साथ अटैच होकर चार्ज करती है इस वॉच को। तो हम इस वॉच को चार्ज करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वॉच है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वॉच चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बैटरी टाइम के बारे में बात कर लीजिए तो 3 से 4 दिन का हमें ये बैटरी बैकअप दे देती है। आप सिर्फ एक दफ़ा चार्ज करेंगे और ये 3 से 4 दिन तक आपको बैटरी बैकअप देती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमें फैसिलिटी देती है ये वॉच। उसके बाद इस वॉच की एक बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, IP68 वाटर प्रूफ रेटेड इस वॉच को जो है वो कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये वॉच जो है ये वाटर प्रूफ है। तो ये था LD5 स्मार्ट वॉच का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से, हमें मोटिवेशन मिलेगी। और उसके बाद आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी वॉच का रिव्यू चाहिए। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, टेक ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।